अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है और आप चाह रहे हैं कि आपका वो क्लेम हट जाए, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि क्लेम से क्या मोनेटाइज ऑन होता है या नहीं होता, अगर आपके क्वेश्चन है ये कि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कट टू कट बताने वाला हूं कि आपके चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज करेगा यूट्यूब आफ्टर क्लेमिंग बिफोर क्लेमिंग, राइट। तो क्या क्लेम आने से, सबसे पहले तो ये जान लो, क्लेम आने से क्या चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं होते? तो मेरा आंसर होगा यस, होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। क्या कॉपीराइट आने से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है? यस, डेफिनेटली होता है। क्या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है? नो, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब कहता है चार चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्लस नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये चार चीजें होनी चाहिए आपके चैनल को मोनेटाइज करने। अब ये चार चीजें आपके पास हैं, आपके चैनल पर वीडियो जो पड़ी है उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो क्या क्लेम आने से चैनल पर दिक्कत आती है क्या? यस, क्लेम आने से चैनल पर दिक्कत आएगी, लेकिन मोनेटाइज में दिक्कत नहीं आएगी। चैनल पर दिक्कत क्या आएगी कि आपकी वीडियो से जो पैसे बनेंगे वो उस पार्टी को भी जाएंगे और आपको भी मिलेंगे, मतलब शेयरिंग हो जाएगा। जब आपके वीडियो पर कभी भी क्लेम आए ना और कोई मेल आए, तो उस मेल को बहुत ध्यान से पढ़िए। उस मेल में ये लिखा रहता है कि 30% इस वीडियो से जितनी अर्निंग होगी, 1,00,000 अगर अर्निंग हो रही है तो हम 30,000 हम लेंगे, 70,000 आप लोगे, ऐसी होती है अर्निंग, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है 70,000 वो लेंगे जिनका सॉन्ग चल रहा है, 30,000 आपको मिलेगा, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लेम आने से आपके चैनल पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बहुत लोग कहते हैं भैया कॉपीराइट क्लेम आ गया इसलिए रीयूज्ड कंटेंट आ गया। नहीं, कॉपीराइट क्लेम अलग चीज है, रीयूज्ड कंटेंट अलग चीज है। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब मेन मतलब है कि आपके वीडियो में कोई पर्पज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ अपलोड नहीं करते हो इसलिए रीयूज्ड आया। अगर आप वैल्यू ऐड करोगे, पर्पज डिफाइन करोगे, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो मोनेटाइज दोनों रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीयूज्ड कंटेंट पर कितने चैनल मोनेटाइज कराए, साइड में आप देखिए इनको, इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, 6-6 महीने से परेशान थे। इनको भी देख लीजिए, दूसरे वाले भाई साहब को, इनका भी मोनेटाइज नहीं था, इनका मोनेटाइज कराया। आपका चैनल भी हम मोनेटाइज कराने के लिए रेडी हैं, बस सिर्फ आपको कुछ काम करने हैं। दूसरे की वीडियो डिलीट कर देना है, URL अपना लगाना है, अपील वीडियो बनाना है, या फिर आपका अगर रीअप्लाई करना है तो रीअप्लाई करने के बाद ये सब काम करना है। कौन सा? रीअप्लाई करने के बाद दूसरे की वीडियो को डिलीट करना, अपनी आवाज़ में वीडियो अपलोड करना, और अपने अच्छे अच्छे वीडियो पर थंबनेल लगाना, टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगाना, बस ये काम करो, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये सब कर लिया फिर भी समझ में नहीं आया, आपको नहीं पता चला, तो आप क्या करेंगे? आपको कहाँ से क्या करना चाहिए? तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको सामने दोनों दिख रही है ना, इन्हीं दोनों आईडी पर आपको मैसेज करना है, लिखना है आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के बाद ही हम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये आपके लिए बताया है, आपको ये भी बताया है कि कॉपीराइट क्लेम से और रीयूज से कोई फर्क है या नहीं, तो ये पता चल गया होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।